हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मनीषा और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करेले की सब्जी बनाने जा रहे हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, ये करीबन 2 चम्मच तेल है, इसको गर्म हो गया है। तो इसमें हमने जीरा जब चटक गया तो हमने इसमें करेला को जो लंबा लंबा है इसे काट दिया था, और इसे सभी करेले को डाल के हम इसे फैला के फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। करेले को हमें भूनते हुए 10 मिनट हो गए हैं, तो अब इसमें हम मोटा मोटा प्याज काट के हम इसमें डाल दिए हैं। मीडियम साइज का प्याज है जिसे हमने लंबा लंबा काटा है। अब प्याज को अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया है तो हमने इसमें 2 मीडियम साइज का लंबा लंबा टमाटर काट के डाल दिए हैं, और उसमें स्वाद के अनुसार नमक, और इसे हम मिक्स करके गलने के लिए छोड़ देंगे। अब टमाटर अच्छे से गल गया है, इसे हम थोड़ा सा चम्मच की सहायता से दबा देंगे। अब हम इसमें बेसिक मसाले 1/4 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1/2 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर डाल के इन सभी को अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। 2 मिनट बाद चेक कर लेंगे, करेली की सब्जी रेडी है। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।